दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लैक होल के बारे में। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जानते हो और शायद नहीं भी जानते हो। हमारा ब्रह्मांड इतने सारे रहस्यों से घिरा हुआ है, ये हम अभी तक नहीं जान पाए। इसीलिए साइंटिस्ट भी आए दिन कोई ना कोई खोज करते रहते हैं। लेकिन जब साइंटिस्ट ने ब्लैक होल को खोजा और रिसर्च करना स्टार्ट किया तो पता चला कि ये ब्लैक होल बहुत टाइम से हमारे ब्रह्मांड में है और जाने कब तक रहेगा इसका भी कोई पता नहीं है। आए दिन ब्लैक होल के ऊपर रिसर्च होती रहती है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम बात कर लेते हैं इसी ब्लैक होल के बारे में कि आखिर ये क्या है। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो ब्लैक होल ब्रह्मांड की एक ऐसी जगह है जहाँ पे फिजिक्स का भी कोई कायदा कानून काम नहीं करता है। इसकी ग्रेविटी इतनी पावरफुल होती है कि अगर इसमें एक बार कोई भी चीज चली गई तो शायद ब्लैक होल के अंदर से वापस ना पाए, इसीलिए ये बहुत खतरनाक भी होता है। कुछ समय पहले साइंटिस्ट के एक स्रोत के मुताबिक उन्होंने ये पता लगाया कि जो सूरज की रोशनी होती है वो ब्लैक होल में पड़ते ही गायब हो जाती है और कोई खगोली चीज लगातार बढ़ भी रही है लेकिन ब्लैक होल का आकार बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जब तारे का आखिरी वक्त होता है तो उसे हम ब्लैक होल भी कह सकते हैं। जब कोई बड़ा तारा अपने ही अंदर श्रिंक होने लगता है या एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि तारा खत्म होने की तरफ बढ़ता है और फिर एक बड़ा विस्फोट होता है, तो इसमें ग्रेविटी हो जाती है कि वो सारी ब्रह्मांड की चीजों को समेट लेता है और जितनी भी चीजें इसके अंदर समाने लगते हैं उतनी ही इसकी ताकत और बढ़ जाती है। साइंटिस्टों ने ब्लैक होल को उनके साइज के हिसाब से अलग अलग रखा है। छोटे ब्लैक होल को स्टेलर ब्लैक होल कहते हैं जबकि बड़े वाले को सुपर मैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। ईयर 1972 में सबसे पहले ब्लैक होल को खोजा गया था। स्टीफन हॉकिंग के अनुसार इसके बाहरी हिस्से को इवेंट हॉरिजॉन कहते हैं। स्टीफन हॉकिंग के खोज के मुताबिक हॉकिंग रेडिएशन के चलते एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह से मास फ्री होकर गायब हो जाता है। वहीं आपको बता दें कि ब्लैक होल की खोज कार्ल कॉर्चलिस और जॉन व्हीलर ने की थी। अगर कोई ब्लैक होल की चपेट में आ जाए तो हो सकता है कि शायद ब्लैक होल की चपेट में आने के बाद उसकी बाहरी सतह पर जलकर राख हो जाए या फिर उसके अंदर पहुंचकर उसकी गहराइयों में खो जाए या फिर किसी दूसरे ग्रह पे भी जाकर पहुंच सकता है। चलिए बात कर लेते हैं ब्लैक होल के कितने प्रकार होते हैं। हमारे ब्रह्मांड के कई तरीके के ब्लैक होल हो सकते हैं लेकिन साइंटिस्ट केवल तीन तरीके के ब्लैक होल के बारे में ही पता लगा पाया। चलिए जान लेते हैं इन तीन ब्लैक होल के बारे में। सबसे पहला है टेलर मास ब्लैक होल। एक ऐसा तारा होता है जिसका द्रव्यमान हमारे सूर्य के कई गुना अधिक होता है और ग्रेविटी के कारण ये एक ब्लैक होल बन जाता है। इसे टेलर मास ब्लैक होल कहते हैं। वहीं नंबर सेकंड पे आता है सुपर मैसिव ब्लैक होल। दोस्तों ऐसे ब्लैक होल जिसका निर्माण गैलेक्सी के केंद्र में होता है और जो काफी बड़े भी होते हैं उनको सुपर मैसिव ब्लैक होल कहा जाता है और ये ब्लैक होल सूर्य से लाखों गुना बड़े हो सकते हैं। हमारी गैलेक्सी के बीच में ही एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसका घनत्व हमारे सूर्य से लगभग 1 करोड़ गुना ज्यादा है। वही नंबर 3 पे आता है प्रीमोडियल ब्लैक होल। कुछ ऐसे भी ब्लैक होल होते हैं जिसका द्रव्यमान यानी कि मास हमारे सूर्य से कम होता है और जिसका निर्माण ग्रेविटी के कारण नहीं बल्कि अपने पॉइंट एंड हीट के कारण होता है, उसे प्रीमोडियल ब्लैक होल कहते हैं। और साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि शायद इन छोटे ब्लैक होल का निर्माण ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कारण ही हुआ होगा लेकिन पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि साइंटिस्ट ब्लैक होल का पता कैसे लगाते हैं। जॉन माइकल के अनुसार ब्लैक होल अदृश्य होने के बावजूद अपने आसपास आकाशीय पिंडों पर अपना ग्रेविटी प्रभाव डालता है और ऐसे में अंधेरा होता है लेकिन आसपास की चीजें अंधेरी की तरफ खिंची हुई नजर आती हैं जिसे ब्लैक होल होने का पता चल जाता है। और कभी कभी ब्लैक होल गैलेक्सी के सभी तारों ग्रहों और पिंडों को और अपनी तरफ खींच कर निकलता हुआ नजर आता है जिससे ब्लैक होल होने का पूरी तरीके से पता चल जाता है। वहीं कभी कभी लोगों के मन में ये सवाल भी आता है कि क्या ब्लैक होल पृथ्वी को भी निगल सकता है। तो आपको बता दें कि अभी तक कोई ऐसा ब्लैक होल नहीं है जिसकी ग्रेविटी इतनी तेज हो कि पृथ्वी को अपनी तरफ खींच सके, चाहे वो ब्लैक होल कितना बड़ा ही क्यों ना हो। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।